नमस्कार, जुड़े हुए टॉकिंग अबाउट रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र के बारे में बात करेंगे मेरे इस किताब से, वैदिक एस्ट्रोलॉजी किताब से। रेवती नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं, मेल्स होते हैं, इनका स्वभाव किस प्रकार का होता है? ये बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, मीठी वाणी बोलते हैं। कहते ना कि कबीर का दोहा है, मीठी वाणी बोलिए मन का अपार खोल, और उनको शीतल करे आप बहु शीतल हो। दे स्पीक सच नाइस वर्ड्स दैट अदर्स फील ऑल्सो नाइस एंड दे ऑल्सो फील नाइस। दैट शुड बी फॉलोड बाय अदर्स ऑल्सो। और इनकी जो कहते हैं साफ दिल वाला व्यक्ति, वेरी क्लीन हार्ट, बट द प्रॉब्लम इज दैट दे आर हॉट टेम्पर्ड, इनको गुस्सा हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो भी इनकी क्लीन हार्ट है या जो भी मीठे वाणी बोलते हैं, ये इस पे सब पानी फिर जाता है, क्योंकि कभी कभी एकदम अचानक फट पड़ते हैं। ये इनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ये जो अंदर की आवाज है, इनर कॉलिंग जिसको कहते हैं, तो ये चलते हैं इधर कॉलिंग पे, अपने अंदर में जो बातें आ रही है, बोले मेरा दिल तो ऐसा कह रहा है, तो उसी प्रकार से आगे काम करते हैं। तो ये एडवाइस सुनते हैं लोगों की, और ये बड़े स्टबर्न होते हैं, जिद पकड़ लेते हैं, और बड़े एम्बिशियस भी होते हैं। एम्बिशियस होना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन स्टबर्न हो जाना कई बार खतरे से खाली नहीं है, अपना ही हानि हो सकता है। रिलीजियसली इंक्लाइन होते हैं, गॉड फियरिंग होते हैं, बहुत अच्छी बात है। और ये लोग कोई भी प्रीमेच्योर कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करते हैं, मतलब सोच विचार काम करते हैं, अचानक कोई काम नहीं करते हैं। इनको विदेश जाने का बड़ा शौक होता है, चाहे जा पाए या ना जा पाए, लेकिन ज्यादातर लोग जाते हैं। और विदेश का मतलब ये समझे कि जब ज्योतिष शास्त्र लिखी गई थी तो विदेश क्या होता था, केवल अमेरिका, नेदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया विदेश नहीं होता है। विदेश का मतलब यह है कि जैसे आप दिल्ली में पैदा हुए हैं तो कर्नाटका विदेश हो गया, क्योंकि कर्नाटका का राजा अलग होता था, दिल्ली का राजा अलग होते थे, तो एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते थे पहले, उसको विदेश कहा जाता था। इसका मतलब है कि नेटिव प्लेस जहां पैदा हुए हैं उससे बाहर जाना, जगह जगह घूमना, इसका मतलब इतना ही हुआ। ये बहुत दिखते थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, लेकिन इनके अंदर जो है एक फियर होता है, भय होता है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, इस प्रकार का भय इनके दिमाग में घूमता रहता है। इनके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद रहता है हरदम। एंड बहुत डिफिकल्ट टाइम से भी, मुश्किल का सामना करते हुए भी ये जीवन में आगे निकल जाते हैं। इनकी जो मैरिटल लाइफ है, शादी वाला जो जीवन है, ये मोटा मोटी ठीक ही रहता है। अब हम बात करेंगे लड़कियों के बारे में, गर्ल्स के बारे में, जो कि रेवती नक्षत्र के हैं। ये जो लड़कियां होती हैं, दे लुक वेरी स्टबर्न, मतलब ऊपर से लगती है कि बड़ी जिद्दी है, लेकिन स्वभाव से बहुत कोमल होती है अंदर। इनमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि दूसरों को ये ट्रस्ट नहीं करते इजीली, दे डोंट ट्रस्ट इजीली एनीबॉडी, दे टेक ऑल टाइम। लेकिन एक बार जब विश्वास कर लेंगे उसके बाद फिर उनका मिठा जाती है। लेकिन खतरे भी है, कोई हो सकता है कि कोई अपनी एक्टिंग से, बातों से आपका ट्रस्ट को जीत लेता है और आपको धोखा भी दे सकता है। तो डिसर्निंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, विजडम का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये जो अंधविश्वास जैसे विश्वास करने लगती है किसी के ऊपर में, वो ठीक नहीं है, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और छोटी छोटी समस्याएं जिंदगी में तो सबके साथ लगी रहती है, लेकिन स्मॉल प्रॉब्लम्स आल्सो इट कैन इरिटेट देम, इनको डिस्टर्ब हो जाती है, छोटी छोटी बात में डिस्टर्ब हो जाती है, जो कि ठीक नहीं है। और दे ऑलवेज ट्रेड द पाथ ऑफ मोरल्स, अच्छे स्वभाव की होती है, अच्छी कैरेक्टर की होती है, और जिंदगी में जो जीती है जिंदगी उसमें सुख प्राप्ति करती है, स्पेशली इन द मैरिटल रिलेशनशिप, शादी वाला जीवन का सुखद कहा जा सकता है। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं, अभी कुछ प्रॉब्लम आपको है, आप संपर्क करना चाहते हैं, तो वेबसाइट को लॉगिन करें www.y.spirituality.com। नमस्कार। You can log on to our website www.whitelotusspirituality.com. If you want to consult, then you can book online. If you want to buy Rudraksha and gemstones, also you can buy through this website. Thank you very much. Press the bell icon to receive our videos in future and do subscribe. Thank you.